तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि टैली के अंदर में कभी-कभी ऐसा होता है कि गलती से कंपनी डिलीट हो जाते हैं और उसको बार-बार लाना पड़ता है। तो इस स्थिति में आप कैसे करेंगे और कंपनी को कैसे सुरक्षित रखेंगे डिलीट होने से पहले, चलिए आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। स्टार्ट वेटर में जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पर हम सर्च करते हैं टैली ERP 9 या ERP 9। आपको पहले ही बता चुके हैं कि किस प्रकार से आप इसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टैली लिख देना है या ERP 9, जैसे ही सर्च करेंगे ERP 9 या टैली आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। टैली के लिए देखिए आपका ये टैली आपका ओपन होगा। कुछ देर में आपका टैली यहाँ पे ओपन होंगे। और ये भी याद रखना है कि टैली में जब भी ये ओपन होगा डबल क्लिक ट्रिपल क्लिक नहीं करेंगे, नहीं तो देखिए नॉट रिस्पॉन्डिंग जो लिख रहा है यानी कि ये रिस्पॉन्डिंग अवस्था में चला जाएगा और ये आपको हो सकता है कट जाए या फिर काम करना बंद कर दे। इसलिए जब एक बार आप स्टार्ट कर दिए तो कुछ समय के लिए इसे वेट कर लीजिएगा। अगर आपका सिस्टम अच्छा काम कर रहा होगा, फास्ट काम कर रहा होगा, तो ये आपका आसानी से काम कर जाएगा। यहाँ पे देखिए हम एजुकेशनल मोड, क्योंकि हम बार बार बता रहे कि सिस्टम एजुकेशनल मोड है, हम यहाँ पर जाते हैं। जैसे ही आपको कंपनी को ओपन करते हैं टैली वॉल्ट पासवर्ड आपका दिखाई दे, तो आपको यदि कंपनी पता ना हो, आप पहले बार ये स्टार्ट कर रहे हो, तो आप नॉर्मली आप एस्केप बटन को प्रेस कर लें। कीबोर्ड में एक आपका कोना में एस्केप बटन मिल जाता है, इस एस्केप बटन पे जैसे ही प्रेस करेंगे ये आप वापस आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले हम एक न्यू कंपनी बना करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर जा चलते हैं क्रिएट कंपनी, क्रिएट कंपनी, और हम आपको डिटेल में पहले का वीडियो एक्सप्लेन कर चुके हैं। हम यहां से एक कंपनी बना लेते हैं जैसे कंप्यूटर सेंटर के नाम से, कंप्यूटर सेंटर। ठीक है, यहां पे कंप्यूटर सेंटर और हम कुछ नहीं विशेष करेंगे, आपको बस कंट्रोल एस हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिर्फ कंपनी को हम बना करके आपको दिखा दे रहे हैं। एक और कंपनी बनाते हैं हम। यहाँ पे कंपनी को न्यू बनाने के लिए देखिए कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाना है। बाकी सारे का पहले का वीडियो हम बता चुके हैं कि आप कैसे कैसे यहाँ सेलेक्ट कंपनी, सट कंपनी, क्रिएट कंपनी और ग्रुप कंपनी वगैरह क्या हैं। ग्रुप कंपनी एक कंपनी के अंदर ही होते हैं, तो पहले ये सब जानना बहुत ही जरूरी है कि सिलेक्ट कंपनी सब क्या होता है। और दूसरा कंपनी हम चलिए फिर से बना लेते हैं यहाँ पे बायोलॉजी क्लासेस। ठीक है, बायोलॉजी क्लासेस के अंदर में हमने एक वीडियो को बनाया है, यहाँ पर एक दो वीडियो हमने बनाया। तो ये आपके दो कंपनी बन चुके हैं। दो कंपनी, एक बायोलॉजी क्लासेस से कंप्यूटर सेंटर के नाम से। अब इन कंपनियों को देखिए, मानते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वर्क हुआ हो और गलती से डिलीट हुआ हो। आप इस बात को ध्यान रखें कि जब आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं और अगर आपके पास समय है तो पर डे का डाटा जो है कि आप कॉपी करके रख लें, क्योंकि अगर आप पर डे का डाटा कॉपी नहीं करेंगे तो इससे होगा क्या कि आपको अगर बाय मिस कभी कंपनी करप्ट कर जाए या फिर कंपनी में दिक्कत हो जाए तो आपको जितने भी डिटेल्स होते हैं, लेन देन का जितने भी प्रोसेस होते हैं, वो सारे आपके खत्म हो जाते हैं। इसलिए इस बात को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, खास करके तौर पर कि अगर आपके पास समय है तो आप मंथली वाइज भी डाटा को रख सकते हैं, आप डेली वाइज भी रख सकते हैं, यानी कि कंपनियों को कॉपी कर करके जो है आप डेली का डाटा इसे रख सकते हैं। देखिए हम इसे कैसे हम बैकअप करके रखते हैं, कैसे इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए जो जो कंपनी यहाँ पे ओपन है या जो भी कंपनी आपको दिखाई देते हैं, इन सभी कंपनियों में आपको यहाँ पे दो ऑप्शन हम बताने वाले हैं। एक है आपका बैकअप, ध्यान से देखिएगा, एक है आपका बैकअप और दूसरा सेकेंड जो है आपका वो है रिस्टोर। चलिए यहाँ पे एक ऑप्शन ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए हम यहाँ पे मैग्नीफायर को ओपन कर लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे
ये आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक आपका है बैकअप एंड दूसरा है आपका रिस्टोर। तो बैकअप और रिस्टोर से क्या होगा, ध्यान से इसको समझिएगा कि बैकअप से क्या होगा कि आप अपने कंपनी को किसी भी पेन ड्राइव में, किसी भी फाइल में या किसी भी डिस्क के अंदर में जो है आप यहाँ पे रख सकते हैं। और रिस्टोर का मतलब होता है कि आपको उससे यदि वापस लाना है तो आप रिस्टोर करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले बैकअप करा लेते हैं कंपनी को, इसके बाद हम रिस्टोर कराएंगे। तो यहाँ पे बैकअप कराने के लिए आप यहाँ पे बैकअप पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप बैकअप के अंदर में आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे, दो ऑप्शन मिलेंगे। दोनों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, एक आपका लिखा होता है सोर्स एंड सेकंड आपका है डेस्टिनेशन। ठीक है, यहाँ पर आपको शायद दिख रहा होगा साथ में, एक है आपका सोर्स और सेकेंड है आपका डेस्टिनेशन। देखिए एक है आपका यहाँ पे सोर्स, सोर्स में, और सेकंड है आपका डेस्टिनेशन। सोर्स का मतलब क्या होता है कि सोर्स का मतलब होता है कि जो आपकी कंपनी है वो आपकी कहाँ पर है, ये जो आपकी कंपनियां हैं वो कहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपकी सोर्स जो बता रही है, यानी कि कहता कि जो अभी टैली का जो कंपनी है, जहाँ पे टैली का है वो आपका सी ड्राइव में, सी ड्राइव के अंदर यूजर, यूजर के अंदर पब्लिक मिलेगा, जहाँ पे tally.erp9 के डाटा अंदर डाटा आपका है। चलिए हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो कीबोर्ड से विंडोज के साथ ई प्रेस करें या कंप्यूटर के फाइल में चले जाएँ। जैसे ही विंडोज के साथ ई प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर बॉक्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर हम छोटा ही करा करके सारे चीज़ को अच्छे से दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे आपका जाएगा सी ड्राइव में, तो सी ड्राइव में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा यूजर। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, यूजर के बाद आपको क्या मिलते हैं, यहाँ पे ओपन हो गए, सिस्टम स्लो होने के कारण समय भी ले रही है आपको। देखिए यहाँ पर इसके बाद आपको मिलेगा पब्लिक, तो आप पब्लिक में चले जाइएगा। पब्लिक के अंदर में देखिए यहाँ मिलता है tally.erp9, tally.erp9 के अंदर में यदि हम क्लिक करेंगे तो मिलता है डाटा, और डाटा के अंदर में जो है कि ये सारे कंपनियाँ की लिस्ट हैं आपके, यानी जितने भी कंपनी बनाते हैं तो आपका जो फाइल का लोकेशन होता है वो वहाँ पर दिख जाता है। तो देखिए यहाँ पे लोकेशन के अनुसार जो है ये सारे चीज़ आपको दिख रहे हैं कि यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर में आपको यहाँ पे हैं। देखिए यहाँ पर हम थोड़ी सी छोटा करा लेते हैं, इसके बाद आपको जो है हम इसको दिखाएंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी लोकेशन को हम यहाँ पे दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे लोकेशन आपका है कि देश पीसी है, पीसी में सी ड्राइव में जब हम आते तो सी ड्राइव में देखिए यहाँ पे सी ड्राइव में यूजर, यूजर के अंदर में पब्लिक, पब्लिक के अंदर tally.erp9, इसके बाद डाटा, देखिए सेम आपका यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद जो हम हमारा यहाँ पे नेक्स्ट लिखता है नेम ऑफ कंपनी, यानी कि जिस कंपनी को आपको बैकअप करना, जिस कंपनी को आपको बैकअप करके यानी कि बचा करके रखना है, वहाँ पे इस कंपनी को आपको चुनना है। ठीक है, तो कंपनी को चुनने के लिए आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पे जो डिक्स है देख रहे हैं, इस डिक्स को सिलेक्शन करना होगा। तो आपने देखा कि सोर्स का मतलब हमने क्या बताया कि जहां पे कंपनी है वहां पे आपका सोर्स, और जहां पे जिस जगह पे ले जाना है उसे हम कहते हैं यहाँ पे डेस्टिनेशन। ठीक है, तो अगर आपको जहां भी ले जाना है, जिस ड्राइव में कंपनी को ले जाना है, आप यहाँ पे उस ड्राइव का नाम दे दें। और देखिए यहाँ पे बैकअप और रजिस्टर को हम कई ढंग से बताएंगे जो कि आपको कभी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। तो देखिए जैसे मानते हैं हमको कि डी ड्राइव में ले जाना है, ई ड्राइव में ले जाना है, तो आपको बस डी लेके देखिए क्लोन और स्लैश देना बहुत ही जरूरी है, या फिर आप उस फाइल के लोकेशन दे सकते हैं जहाँ पे कंपनी को रखना है। तो फिलहाल हम एक बैकअप करके रखते हैं, उसके बाद डिलीट करते हैं, डिलीट करके आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हम ई ड्राइव में लेकर चलते हैं, यहाँ पे हम देते हैं ई, देना है क्लोन, क्लोन के बाद देना है स्लैश। जैसे ई क्लोन स्लैश के बाद जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ई ड्राइव आपको होगी, तो यहाँ पे कंपनी आपका दिख जाएगा। हम यहाँ पे ई नहीं है तो एफ फिर लेकर के चलते हैं, एफ क्लोन और स्लैश। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी आपका कंपनी फोन नहीं है, कंपनी आपका नहीं दिख रहा है। चलिए हम देख, ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से आप कंपनी दिख जाए।
देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपको यदि टैली या फिर जो कंपनी का लिस्ट है यदि ये ना दिखे तो आप सिस्टम में रिफ्रेश कर लें तो आपको आ जाएगी। या सेकेंड जो उपाय है आप ये भी कर सकते हैं कि जो हमारा कंपनी को ओपन है इस कंपनी को पहले आराम से बंद करा लें, यानी शट कंपनी में जा करके इसे आप बंद करा दें। तो देखिए हमारे जो कंपनी ओपन है इसे हम यहाँ पे बंद करा दें। बंद कराने के बाद आप यहाँ पे चले जाएगा बैकअप में, यदि वो नहीं आए तो ठीक है, तो बैकअप में जाना है। बैकअप में जाने के बाद हमने बताया कि पहला जो आपका है फाइल का लोकेशन और सेकेंड है डेस्टिनेशन, यानी कि जहां पर आपको ले जाने हैं, ठीक है ना। डेस्टिनेशन याद रखिएगा, जहां पे आपको ले जाने हैं वहां पे, और जब आप रिस्टोर करेंगे तो उसी का यहाँ पे आप पॉजिट आपका दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम एफ कोलन इंटर देते हैं। एफ कोलन इंटर के बाद क्या होगा कि एफ ड्राइव के अंदर में आपका ये फाइल चला जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे जो कंपनी बनाए हैं बायोलॉजी क्लासेस एंड कंप्यूटर सेंटर, इसको हम यहाँ से करा लेते हैं बैकअप, ठीक है। यहाँ पे दो कंपनी लेते हैं, एक परचेज को भी ले लेते हैं। यहाँ पे परचेज और ये जो बायोलॉजी क्लासेस, ये दो कंपनियों को हम बैकअप करते हैं। यहाँ पे करते हैं इंड ऑफ लिस्ट, यहाँ पे हम करते हैं इंड ऑफ लिस्ट और यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। इंड ऑफ लिस्ट से क्या होगा कि अब हमें कोई भी कंपनी और यहाँ पे ऐड नहीं करना है। अब यहाँ पे बात आती है कि देखिए कभी कभी हम बाय मिस गलती से यहाँ पे बैकअप तो हमने रखा ही है, यहाँ पे देखिए परचेज के अंदर में यहाँ पे कुछ काम भी हुए हैं। यहाँ पर हम जाते हैं डिस्प्ले में, अगर हम एस्केप बटन दबा के जाते हैं डिस्प्ले में तो डिस्प्ले के लिए आप प्रेस करेंगे डी। इसके बाद डेबुक अगर करना है तो भी आप प्रेस करेंगे डी, या फिर आप क्लिक करेंगे तो भी आपका काम कर जाएगा। यानी शॉर्टकट के रूप में आप सब चीज़ कर। देखिए यहाँ पे काम वगैरह सब चीज़ हुआ है, सारे का टायर बैलेंस वगैरह सब चीज़ यहाँ पे परचेज वगैरह सारा हो गया। और गलती से कोई यहाँ पे सिस्टम पे बैठे और बैठने के बाद क्या हुआ कि उस कंपनी को डिलीट कर दिए। देखिए जैसे यहाँ पर ये कंपनी ओपन है, यहाँ पर हम जाते हैं अल्टर में, डिलीट में जाने के लिए क्या करते हैं अल्टर, अल्टर में जाने के बाद हम इसको कंपनी को करते हैं ओपन। ओपन कराने के बाद यहाँ पे करते हैं अल्ट के साथ डी, जैसे अल्ट के साथ आप डी बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर डिलीट आएगा, यस करेंगे ये आपका यस हो जाएगा। देखिए आपके ये कंपनी जो थे ये क्या हो गया, परचेज आपका बंद हो गया, ठीक है। जब ये कंपनी बंद हो गए तो अब हमें क्या करना होगा कि अब हमारी गलती से ये डिलीट हो गए, तो डिलीट हो गए तो अब तो हमारे पास बैकअप नहीं होगा, तो हम कंपनी को लाएंगे कैसे। इसीलिए आपको सबसे पहले जो बैकअप है किसी भी कंपनी को बनाइए, बड़े बड़े डाटाबेस पे यदि आप काम करें तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको हर कंपनी का हर पर डे का जो काम होता है उन सभी चीज़ को कॉपी करा लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे परचेज जो है आपका परचेज कंपनी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसके बाद गलती से क्या हुआ कि मानते हैं कि यहाँ पे बायोलॉजी क्लासेस जो हमने लिया था, बायोलॉजी क्लासेस को भी यहाँ पे कोई डिलीट कर दिया। सपोज इसको ओपन करते अल्ट के साथ डी प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि एक कंपनी भी आपको डिलीट हो गया। डिलीट कैसे करते, ओपन कैसे करते, ये सारे हम पहले की वीडियो में दिखा चुके हैं, तो आप पहले वाला देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपको एक कंपनी डिलीट हो गया, अब हमें वापस लाने हैं। याद रखिएगा कि हमने इसे डिलीट कर दिया, अब इसे वापस लाने हैं। अगर कोई डिलीट कर दिया, अगर बैकअप नहीं रखेंगे तो सारे डाटे आपके खत्म हो जाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि पर डे का डाटा हम आसानी से बैकअप रखें ताकि वो सुरक्षित रह सके। तो याद रखिए यदि कोई कंपनी को आपने बैकअप किया और इसे वापस लाना है तो आप कहाँ जाएंगे, रिस्टोर पे। रिस्टोर पे जाने के बाद आप जैसे ही यहाँ पे जाएंगे तो आपको ऑप्शन जो अपोजिट पूछेगा, देखिए यहाँ पे डेस्टिनेशन आप ओपन में चला जाएगा और सोर्स आपका नीचे आ जाएगा। यानी कि सोर्स का मतलब आप याद रखिएगा कि कहाँ पे आपको लाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। डेस्टिनेशन अभी बता रहा है कि कंपनी अभी कहाँ पे है, यहाँ पे बता रहा है, और कौन कौन सी कंपनी बैकअप की हुई है ये भी आपको यहाँ पे दिखा रही है, ठीक है। अगर मानते हैं कि यहाँ पे डेस्टिनेशन जो है आपका यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पर कहाँ पे लाना चाहते हैं, ठीक है ना, आप सोर्स में जाएंगे, आप यहाँ पे बता दीजिएगा कि हमको कहाँ पे लाने हैं, ठीक है। आप यहाँ पे जाने के बाद डेस्टिनेशन में सोर्स में आप चले जाइएगा, ठीक है, इस प्रकार से। और आपको यहाँ पे दे देने हैं सी, ठीक है, क्योंकि हमको सी के पास ले जाना है। आप यहाँ से सी सिलेक्ट दे देंगे, यहाँ पे नो आइटम फॉन्ट बता रहा, अच्छा सी ऊपर में है आपका, यहाँ पे ले लें एफ, आपको ऑटोमेटिक आपका दे देगी। अब यहाँ पे ले लेते हैं बायोलॉजी क्लासेस, और अगर परचेज को लेना है परचेज को भी सिलेक्ट कर लें।
यानी कि ये दोनों का थोड़ा अपोजिट रहता है, तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ लोकेशन को थोड़ा सा चेंज ध्यान रखना है, कि सोर्स का मतलब कि जहाँ पर है, डेस्टिनेशन का मतलब होता है जहाँ पे भेजना होता है। अब इसे हम यहाँ पे कर लेंगे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी यहाँ से कंपनी क्या हो गई, रिस्टोर हो गई। देखिए आप रिस्टोर पे जाएंगे तो आपके यहाँ पे कोई कंपनी जो है कि यहाँ पे आपको बैकअप ऑलरेडी बैकअप है, और यहाँ पर अगर जाते हैं हम वापस जाते हैं बैक यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी में, तो देखिए सिलेक्ट कंपनी में भी आपका कंपनी यहाँ पे आ जाएगी। देखिए परचेज और बायोलॉजी क्लासेस दोनों आपके आ चुके हैं। अब इसके साथ साथ हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एफ ड्राइव के अंदर जो हमने बैकअप लिया था, हम विंडोज के साथ ए प्रेस करते हैं और कंप्यूटर के फाइल को खोलते हैं। एक एक चीज़ यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा तो आपके एक एक पार्ट को जो है आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पे हमने सी ड्राइव में बैकअप लिया था, तो चलते हैं सी ड्राइव की ओर। और यहाँ पे सी ड्राइव में देखिए कहीं पे आपको टेली का बैकअप आया होगा, या बैकअप के नाम से आपको बाय डिफॉल्ट फोल्डर बना होगा। देखिए यहाँ से इस प्रकार से आपको बैकअप ना बन के यहाँ पे कंपनी आपके आ चुके हैं, देख रहे हैं TVK900-10002। ये जो हमारे कंपनी का कोड है, ये आपको 10002 और ये आपको है 10007। देखिए तो एक कंपनी जो है आपका यहाँ पे टीवी की जो टैली आपका बन के आ चुका है, जो आप यहाँ पे बैकअप रुके हो। देखिए यहाँ पे 10002 और 10007 है या नहीं, ये भी चेक करने के लिए यहाँ पर आप देख ले सकते हैं कि जो एक है आपका बायोलॉजी क्लास 10007, और यहाँ पे परचेज का जो यहाँ पे कोड है वो 10002 है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे बैकअप ले लिए। अब एक और चीज हम आपको बैकअप लेने के लिए बता रहे हैं, जहाँ पे आप किसी कंपनियां का बैकअप रख सकते हैं। तो चलिए हम सेकेंड प्रोसेस आपको यहाँ पे चले, तो सेकेंड प्रोसेस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम चलते हैं यहाँ पे बैकअप में। और बैकअप में जाने के बाद जो जो कंपनियों को आपको यहाँ पे बैकअप लेने हैं, आप यहाँ पे चले जाइएगा फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको जहाँ पर भी यहाँ पे रखने हैं टैली के कंपनियों को, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें, ठीक है। जैसे हमको एक न्यू फोल्डर, या फिर यदि आपको मानते हैं हम यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं टैली कंपनी के नाम से, टैली कंपनी, ठीक है। टैली कंपनी हमने यहाँ पे टाइप किया, टैली कंपनी को ओपन कर लेते हैं फोल्डर को। इसके बाद एक चीज़ और बता दें कि यदि आप यहाँ पे पेन ड्राइव यूज कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, यदि आप पेन ड्राइव को यूज कर रहे हो और पेन ड्राइव में आप डाटा को लेना चाहते हैं, जैसे मानते हैं आप एक कंप्यूटर में चला रहे हैं और हो सकता है उस डाटा को या उस कंपनी को आपको ले जा करके किसी दूसरे सिस्टम में चलाना है, ठीक है, तो आप इसे कैसे लाएंगे और कैसे रखेंगे। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया है यहाँ पे ड्राइव के अंदर में, और यहाँ पे जो आपके लोकेशन दे रहे हैं यहाँ पे डबल क्लिक करना, ठीक है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपके कंपनी का जो लोकेशन होता है ये यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लें, या फिर डायरेक्ट आप इस प्रकार से ड्रैग करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद जो आप कॉपी करते हैं, नॉर्मली आप कंट्रोल सी से कॉपी कर लें। कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आ जाइए टैली में, और टैली में आने के बाद यहाँ पे जो डेस्टिनेशन बता रहा है यहाँ पे पेस्ट कर देना। तो आप अगर टैली में कंट्रोल भी से पेस्ट करेंगे तो ये आपका पेस्ट नहीं होता है, ठीक है। कंट्रोल भी अल्ट भी करेंगे तो पेस्ट तभी आपका पेस्ट होगा, यानी कि कंट्रोल सी से कॉपी नहीं और कंट्रोल भी से पेस्ट नहीं। टैली में आपको कंट्रोल अल्ट सी एंड कंट्रोल अल्ट भी यूज होता है। तो देखिए हमने वहां कंट्रोल सी से नॉर्मली कॉपी किया था, लेकिन यहाँ पे पेस्ट करने के लिए कंट्रोल अल्ट और भी को प्रेस करते हैं। जैसे कंट्रोल अल्ट भी को प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर ई ड्राइव टैली कंपनी आपके आ चुके हैं। इंटर हमने प्रेस किया, आप जो जो कंपनी को यहाँ पे कॉपी कराना है, आप यहाँ पर देखिए हम फिर से आपको फोल्डर के पास ले जाते हैं। देखिए यहाँ पे फोल्डर आपको इस प्रकार से दिख रहा है, आप यहाँ पे करेंगे डबल क्लिक, आपके सामने यहाँ पे लोकेशन आ जाएंगे। यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे बैकअप लेंगे तो यहाँ पे इसके डाटा आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं कंप्यूटर सेंटर को, और यहाँ पे परचेज 22 को हम यहाँ पे करा लेते हैं कॉपी,
और आप अगर एक बार में जितने कंपनियों को कॉपी कराना चाहते हैं करा सकते हैं, कोई दिक्कत ना, आपको डाटा सहित आपको कॉपी हो जाता है। इसके बाद जाएंगे एंड ऑफ लिस्ट में और यहाँ पर हम इंटर प्रेस करके इसे और या फिर यस पर क्लिक करने के बाद हम इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। ठीक है, जैसे आप एक्सेप्ट कराएंगे ये आपके बैकअप हो चुके हैं। देख लीजिए फॉर्मेट में जा करके यहाँ पे फोल्डर के अंदर में यहाँ पे देखिए दो कंपनियाँ आपके आ चुके हैं जैसा कि हमने बताया था। अगर सपोर्टर मानते हैं कि आपके पास पेन ड्राइव है, आपने पेन ड्राइव लगाया, तो पेन ड्राइव में भी कोई अलग से बातें नहीं हैं। आप मान के चलते हैं कि देखिए यहाँ पर हम डिस्क पीसी में चलते हैं, मान के चलते हैं हम डिस्क पीसी में गए, डिस्क पीसी में यहाँ पे जो एफ ड्राइव जो है ये हमारा पेन ड्राइव है। ठीक है, हम मान के चलते ये हमारा पेन ड्राइव है, हम इस पेन ड्राइव को हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद जिस फाइल में हमको कंपनी को रखना है हम यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं। कंट्रोल अल्ट एन भी प्रेस कर सकते हैं या राइट क्लिक न्यू करके आप जा सकते हैं। हम यहाँ पे टैली एन एन के नाम से यहाँ पे फोल्डर बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे टैली एन एन बना दीजिए। इसके बाद ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या करना है, डबल क्लिक, जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर का जो है कि ये आपको लोकेशन आ जाएगा, इसे करा लीजिएगा कॉपी। कंट्रोल सी कर लेंगे हो जाएगा कॉपी। और इसके बाद चलते हैं यहाँ पे हम टैली में और जाने के बाद यहाँ पे करते हैं बैकअप। बैकअप के बाद जो है आपको यहाँ पे कोई कंपनी को ले लेने हैं, जैसे यहाँ पे नॉर्मली परचेज ले लेते हैं हम, और एक ही कंपनी लेते हैं क्योंकि ये समय लेंगे तो यहाँ पे आपको पासवर्ड खोजेंगे। ठीक है ना, तो पासवर्ड अभी याद है नहीं कि हम पासवर्ड दें, और यहाँ पे 22 जो है ये ले लेते हैं और यहाँ पे करा लेते हैं इंडोपलिस। इसको सिलेक्ट करने के बाद देखिए एक कंपनी हमारा जो है पेन ड्राइव के अंदर में मान के चलते चला गया। ठीक है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा आप, रिफ्रेश करा लीजिएगा टैली एन एन, आपको यहाँ पे बैकअप हो गए होंगे। तो इस प्रकार से जो है कि यहाँ पे बैकअप और रिस्टोर का जो चक्कर है ये आप यहाँ पे अलग अलग करा सकते हैं। इस फोल्डर में जो है कि ऑलरेडी जो है एफ ड्राइव के अंदर में ऑलरेडी हमारा जो कंपनी है यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले से हम ले चुके हैं, इस वजह से नहीं भी आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको सबसे पहले दिखाया था कि एफ ड्राइव के अंदर में देखिए सबसे ऊपर में यहाँ पे कंपनी हमने लिया था। सिस्टम स्लो की वजह से जल्दी काम नहीं कर पा रहा है, इसीलिए आप थोड़ी सी मैनेज करें अपने सिस्टम में अच्छे से करें। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हम ला चुके हैं, अभी लीजिएगा तो पेन ड्राइव में। और अब हम बता देते हैं कि मानते हैं कि आप दूसरे सिस्टम पे जाएंगे तो कैसे करेंगे। जैसे सपोज आपने पेन ड्राइव को लगाया, पेन ड्राइव लगाने के बाद आप यहाँ पे करेंगे टैली को ओपन। ठीक है, पेन ड्राइव लगाने के बाद टैली को आप ओपन करा लेंगे। ठीक है, देखिए मान के चलते हैं आप यहाँ पे गए टैली, आप अब चलते हैं मान के चलते हैं चलते हैं हम दूसरे सिस्टम पे। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम के चलते बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। देखिए अब यहाँ पे करना क्या है आपको कि अगर आपको पेन ड्राइव से दूसरे चीज़ में डाटा दूसरे लैपटॉप में चलाना है, मानते हैं कि हमारा एक जगह से हमने डाटा को कॉपी करा लिया, अब हम दूसरे सिस्टम में आए, हमने पेन ड्राइव को लगाया, अब यहाँ से हम टैली को ओपन करते हैं। ठीक है, नए सिस्टम में मानते हैं टैली को यहाँ पर ओपन करा लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये सिस्टम स्लो हो गया है, तो ध्यान रखिएगा ऐसे हम बता रहे हैं इस फाइल को, एक एक चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। इस प्रकार से यहाँ पे ERP9 टाइप करने हैं। ERP9 इसे आप ओपन करा लीजिएगा। हम मान के चलते हैं कि ये हमने नया सिस्टम पर ओपन कराया, हमारा जो टैली है वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके थे, हमारे पेन ड्राइव में आ चुके हैं। अब पेन ड्राइव से जो है कि हमको लाना है तो आप पेन ड्राइव को लगा दीजिएगा, पेन ड्राइव का लोकेशन आप सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका लोकेशन होगा। ठीक है, याद रखिएगा बैकअप का मतलब कि सुरक्षित रखना और रिस्टोर का मतलब जो है कि कंपनी को वापस लाना, अगर डिलीट भी कोई कर दे तो गम नहीं, आप उसे वापस यहाँ पे ला सकते हैं। एस्केप प्रेस करते हैं, आते हैं रिस्टोर पे, ध्यान रखिएगा ये नया कंपनी में हम आ गए रिस्टोर में। अब यहाँ पे देखिए डेस्टिनेशन कहाँ पे आपकी टैली को ले जाना है, मानते हैं सी ड्राइव में ले जाना है। ठीक है, आपका सोर्स कहाँ पे टैली है, आपकी जो डाटा है टैली का वो कहाँ पे, मानते हैं कि ई ड्राइव में है ना, तो आप ई ड्राइव में चले जाइए, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए जो जो कंपनी आप बैकअप लिए हुए हैं उन सभी का लिस्ट आ गया। याद रखिएगा
डेस्टिनेशन आपको कहाँ पर ले जाने हैं, ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर मानते हैं कि यहाँ पे सी ड्राइव में ना ले जाना हो, आपको एफ ड्राइव में ले जाना हो, ठीक है, ई ड्राइव से आपको एफ ड्राइव में ले जाना हो, आप यहाँ पे एफ ड्राइव दे दीजिएगा, ठीक है। यानी डेस्टिनेशन याद रखिएगा कि डेस्टिनेशन वह होता है जहाँ पे कंपनी के डाटा को कंपनी को ले जाना है, उसके लोकेशन है। और सोर्स का मतलब होता है कि फिलहाल करंट में आपका जो कंपनी है वो किस जगह पे है। तो देखिए करंट में हमारा कंपनी टैली ERP 9 में है, अगर आपके एफ ड्राइव में है आप एफ ड्राइव दे देंगे, आपके सी ड्राइव में है सी ड्राइव दे देंगे, जी ड्राइव में है जी ड्राइव दे देंगे, पैन ड्राइव है पैन ड्राइव का दे देंगे। यानी कि करंट लोकेशन है आपको ले लेगा सोर्स में, और डेस्टिनेशन का मतलब कि जहाँ पे आपको ले जाना है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, डेस्टिनेशन का मतलब जहां पे ले जाने हैं और सोर्स का मतलब कि जहां पे कंपनी है। अब यहां से हम ले लेते हैं, ये आपका है कंप्यूटर है, परचेज है, ये है, ठीक है, और यहां पे इंडोर प्लीज करा लेते हैं, एक्सेप्ट करा लेते हैं। ये कंपनी ऑलरेडी हमारा डिलीट तो था नहीं, तो लिख रहा ऑलरेडी एग्जिट, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप इसे जो है आप करा ले सकते हैं। तो ये आपको है कि कंपनी अगर डिलीट हो जाए तो आप उसे कैसे वापस ला सकते हैं, आप उसे सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, इस विषय पे यहाँ पे डिटेल हमने बता दिया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को ध्यान से कि कैसे आप कंपनी को ला सकते हैं, कैसे आप रिसेट कर सकते हैं, और अल्टर वगैरह ये सारे चीज़ हम बता चुके हैं, अल्टर क्या होते हैं, कंपनी क्या होते हैं। इसके साथ साथ आगे के वीडियोज में हम और आपको लेजर क्रिएशन वगैरह सारे चीज़ बताने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, ध्यान से देखिएगा, दो बार तीन बार आप देखेंगे आप समझ जाएंगे। अगर आपके सिस्टम अच्छे से काम कर रहे हो तो आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी, और जो जो हमने बताया उसको आप अपने कॉपी में ढंग से लिख लें, आपको आसानी से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी प्रकार का दिक्कत लगता है